हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। ढाबे पर जो बनते हो वो काले होते हैं छोले, वो एक अलग तरीके से बनाए जाते हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल में अलग। तो हमने ये छोले लिया है जिसे हमने 6 से 7 घंटे तक पहले भिगो के रखा हुआ था और बाद में उसे हमने 4 से 5 सीटी तक उसे कुक कर लिया है और इसे हमने नमक डाल के कुक किया हुआ है। ये हमने एक प्यूरी बनानी है तो ग्रेवी के लिए, तो हमने इसके लिए लिया है इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, इसे हमने काट के रखा हुआ है। ये हमने राई ली है, जीरा, हींग, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये चक्रफूल का बनाया हुआ पाउडर है। ये लेंगे हम नमक, इमली का पानी है, हमने गरम मसाला लिया है, ये लाल सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता और शक्कर, और ये हमने ऑयल लिया हुआ है। ये हम मिक्सर जार में हमारी सारी काट के रखी हुई ग्रेवी के लिए सब्जियां डाल देंगे। इसमें अब ये हमारे 2 चम्मच जितने ये छोले डालेंगे तो इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक होगी। अब हम इसे क्रश कर लेते हैं। तो हमने ग्रेवी बना ली है, आप देख सकते हैं थिक हुई है ग्रेवी। ये तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें राई डालेंगे, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, अब हम इसमें हींग डालेंगे, अब हम इसमें हमारी लाल मिर्च और तेज पत्ता डालेंगे और अब हमारी ये पेस्ट बनाएंगे। हमने छोले में नमक डाला था तो अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ग्रेवी का हिस्से का हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसमें धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, अब हम इसमें चक्रफूल का मसाला है वो डालेंगे। हम छोले मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, इसे मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ड्राई सी हो गई है एकदम। अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे, तो ये सिर्फ इमली का पानी, इसमें हमने गुड़ या और कुछ खजूर या कुछ भी मिलाया नहीं है। आप देख सकते हैं अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, तो 2 चम्मच हम शक्कर डालेंगे। अब मिला लेंगे हम इसे, अब हम इसमें अराउंड 1/2 कप जितना पानी डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिलाकर इसे उबलने देंगे। अब देख सकते हैं ग्रेवी हमारी ये कुक हो चुकी है। अब हम इसमें हमारे छोले डालेंगे जिसे हमने बॉईल कर रखा हुआ था, अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक होने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और साथ में टेस्ट भी अच्छा लगे। तो आप इसमें अपनी पसंद से ग्रेवी रख सकते हैं, आपको ग्रेवी वाले चाहे तब थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं, हम अभी थोड़ी सी कम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें रिड्यूस हो चुकी है हमारी ग्रेवी। तो ये तैयार है हमारे छोले, हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। तैयार है हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। आप इसे रोटी, नान या कुलचे के साथ खा सकते हैं, आप भटूरे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।